भारत की कोवैक्सीन अब सवालों के घेरे में है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। नई स्टडी में पता चलता है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लगभग एक तिहाई लोगों को एक साल बाद साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है। महामारी से बचने के लिए बने वैक्सीन अब सवालों के घेरे में है। कोविशील्ड के बाद भारत में बने कोवैक्सीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीएचयू के रिसर्च में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात निकलकर सामने आई है। रिसर्च साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुआ है। इन साइड इफेक्ट में सांस संबंधी इंफेक्शन, स्किन से जुड़ी बीमारियां, ब्लड क्लॉटिंग, पीरियड्स में दिक्कतें जैसी परेशानियां हैं। हालांकि आईसीएमआर के पूर्व डीजी का कहना है कि दुनिया में जो भी वैक्सीन है उनमें साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब ये कोविड की महामारी हो रही थी तब लोग चींटियों की तरह मर रहे थे, तो उस वक्त वैक्सीन जरूरी था। और जितने भी वैक्सीन दुनिया में हुए हैं हर एक में साइड इफेक्ट हुआ है। कोई और कोई भी वैक्सीन जो अभी भी यूज हो रहा है कहीं पर, ऐसा नहीं होता कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कोविड-19 के जो वैक्सीन बने हैं उनमें कुछ खास साइड इफेक्ट्स होते हैं जो सारे वैक्सीन्स में एक ही जैसे हैं। बीएचयू ने वैक्सीन लगने के एक साल बाद लोगों पर रिसर्च की, वहीं वैक्सीन पर आईसीएमआर ने फॉलोअप लिया है। एनके गांगुली की माने तो कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन का तब फॉलोअप नहीं लिया जा सकता था। ये कोई बोल नहीं सकता, जब वैक्सीन यूज होता है उस वक्त इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन यूज हुए थे, और जब इमरजेंसी वैक्सीन के हिसाब से यूज हुआ था उस वक्त फॉलोअप रिजल्ट्स नहीं पता था। तो फॉलोअप रिजल्ट्स इसलिए नहीं पता था कि संभव ही नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसमें कुछ घबराने जैसी बात है, तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल रिसर्च में जिस साइड इफेक्ट को लेकर कहा गया है उसकी संख्या बेहद कम है, यानी साइड इफेक्ट है लेकिन कम लोगों के बीच है। इसमें जो इश्यू है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं जो ये बोल रहे हैं, ये हर आदमी में साल में होता है, 4 या 5 बार होता है, माइनर कभी कभार, तो वो तो होगा ही, लोगों में होगा। डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे मकानों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। वो अगर बैलेंस नहीं हो तो एक ग्रुप में थोड़ा ज्यादा, एक ग्रुप में कम हो सकता है। बट इसमें जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें कि डरने की चीजें हैं, वो हैं नर्वस सिस्टम की जो है, जिसमें कि गुलेन-बारे सिंड्रोम होता है, जिसमें कि थ्रोम्बोसिस के रिलेटेड स्ट्रोक वगैरह होता है, तो ये वाले सीरियस साइड है। बट ये बहुत कम है, 0.2% के करीब है। कोरोना महामारी के दौरान बने वैक्सीन ने करोड़ों जिंदगियों को संजीवनी दी है। ये भी समझने की जरूरत है कि जो वैक्सीन आ रही है वो रीडिफाइंड है। कुल मिलाकर साइड इफेक्ट है लेकिन घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। फराह खान, न्यूज 18, दिल्ली। इधर बड़